भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से कुछ ही घंटे पहले टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 हुई घोषित। कप्तान रोहित शर्मा ने दे दिया टीम की प्लेइंग 11 में अब इन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को मौका। जी हां दोस्तों, आखिरकार टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए कैसी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और कप्तान रोहित शर्मा ने दिया है इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका, बताएंगे आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के जरिए अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। अब से कुछ ही घंटों के भीतर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमें वर्ल्ड कप का ये हाई वोल्टेज मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप की शुरुआत गुरुवार 5 अक्टूबर से हुई थी, जबकि टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत रविवार 8 अक्टूबर को करेगी। ये मुकाबला चेन्नई के चैपॉक पे खेला जाना है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 भी कंफर्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले से भारतीय टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल बाहर रहेंगे। ऐसे में उनकी गैर हाजिरी में ओपनिंग का मोर्चा कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर रहेगा। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले की प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव के साथ मैदान पर उतर सकते हैं, जबकि तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह मोर्चा संभालेंगे। ऐसी स्थिति में मोहम्मद शमी को बाहर रहना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। आपको बता दें कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में हमें रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर विराट कोहली का खेलना तय है, 4th नंबर पर KL राहुल होंगे, जबकि 5वें नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे, 6th नंबर पर हार्दिक पांड्या, 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा होंगे, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर कुलदीप यादव होंगे, 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज, वहीं नंबर 11 के लिए जसप्रीत बुमराह का खेलना लगभग कंफर्म माना जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।